ला 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 ला। कहाँ जा रही है फजीदा? जानू कॉलेज जा रही हूँ। शादी हुई, घर में बैठो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पति परमेश्वर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पेड़ पर मुझे पढ़ने दो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, घर में बैठो, शादी हो चुकी है। जानू एक बात पूछो तुमसे। आप पूछो। तुम कितने पढ़े लिखे हो? पांचवी तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? अरे वही घर की जिम्मेदारियां थी। पांचवी क्लास में जिम्मेदारियां? पांचवी क्लास में कौन सी जिम्मेदारी थी? पांचवी क्लास में कौन सी? तेरी सास तुम्हारी बहने बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी थी? तेरी जवान बेटियां थी घर में। नहीं नहीं नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? तेरे बूढ़े माँ बाप बीमार थे घर में, उनके लिए इलाज के पैसे इकट्ठे कर लिया था। नहीं नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी थी? तुझे गांव में जमीन खरीदनी थी। फिर जिम्मेदारियां कौन सी? तुझे अपने बच्चों को बाहर विदेश भेजने थे पढ़ने के लिए। नहीं नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? ठाकुर साहब के पास तुम्हारी जमीन गिरवी पड़ी थी। नहीं नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? तू ब्याज भर लिया था जमीन का। नहीं नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी जिम्मेदारियां थी? एक बात बता, पांचवी क्लास में बच्चा कितना बड़ा होगा? 10 या 11 साल का। 10-11 साल की उम्र में कौन सी जिम्मेदारियां तुझ पे? तू आज जिम्मेदारियां बता भाई कौन सी थी? एक काम कर, तू अपनी जिंदगी जी ले, एक काम कर, पढ़ ले तू, पढ़ ले। समझ में नहीं आता तुम लड़कों से जब भी पूछे पढ़े क्यों नहीं, जिम्मेदारियां बहुत, यही भरम मार देता। अबे तुम पढ़ते ही नहीं हो, और हम लड़कियां पढ़ती हैं। आधे घर वाले नहीं पढ़ लेते, आधे ससुराल वाले नहीं पढ़ लेते, जी खबर निकलने आते, बता रही हूँ उल्टे तीर मत लेकर दिमाग खराब करेगा। सुनो बहनों और सारे घर वाले सुन लो, अगर तुम्हारी लड़की पढ़ने में तेज है उसे पढ़ाओ, शादी की इतनी जल्दी मत करो, पहले पढ़ाओ, पढ़ेगी लिखेगी ना एक से एक रिश्ता आएगा।